आज हम पढ़ेंगे सिक्स क्लास का हिस्ट्री चैप्टर फाइव. व्हाट बुक्स एंड म्यूरियल्स टेल्स अस. किताबें और जो पुरानी चीजें जो खुदाई में हमें मिली हैं वो हमें क्या बताती हैं. द ओल्डेस्ट बुक नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज सपोर्टेड टू बी दैट ऑफ द वेदास. जो सबसे पुरानी पुस्तक जो हमें मिली है पुराने समय की वो वेद हैं. They were written about 3000 years back. ये लिखी गई थी 3000 साल पहले. Are the earliest literary source available. और उस पुराने समय का एकमात्र सोर्स है जो लिखित रूप में हमें ये मिला है. The Vedas. अब जो वेद क्या है उसके बारे में बताया गया है. The word वेद means knowledge. वेद का मतलब, वेद शब्द का मतलब है knowledge, ज्ञान. There are four Vedas. चार वेद मिले हैं, जो चार पुराने समय के जो वेद हैं वो चार हैं. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. ये चारों वेद कौन कौन से मिले हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद. ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है. इट वॉज कम्पोज अबाउट 3500 ईयर्स अगो. ये लिखा गया या बनाया गया जो वेद, ये अब से उस समय 3500 साल पहले बना था. द हाइमंस हैव बीन कंपोज्ड बाय सागेज. हाइमंस, हाइमंस मीन्स भजन. ये बनाए जाते थे संतों के द्वारा. सागेज यानी संत. संतों द्वारा पुराने समय में भजन बनाए जाते थे. दीज हाइमंस वर रिसाइटेड एंड पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर अंटिल दे वर रिटन डाउन. जब तक ये लिखे लिखित रूप में नहीं रखे गए तब तक ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन द्वारा पढ़े जाते थे, सुनाए जाते थे. इस टाइप से मतलब कि मुंह से ही लर्निंग चलती थी, मुंह से ही सुने सुनाए जाते थे. मौखिक रूप से था, लिखित रूप में नहीं था. जब तक उन्होंने लिखना नहीं सीखा तब तक. द हेमंस आर इन प्रेज ऑफ डिफरेंट गॉड सच एज इंदिरा द गॉड ऑफ वॉरियर. These hymns ये भजन किसकी उसमें स्तुति में गाए जाते थे, किससे प्रेयर वगैरह प्रार्थना करने के लिए गाए जाते थे? डिफरेंट गॉड्स, जैसे कि इंद्र देवताओं के अधिपति, जो देवताओं का जो वो करते थे, स्वर्ग के महाराज जो थे, गॉड ऑफ वॉरियर्स. अग्नि, अग्निदेव के प्रार्थना में गाए जाते थे. द गॉड ऑफ फायर, जो अग्नि के देवता हैं उनकी स्तुति में. सम अ प्लांट फ्रॉम विच द स्पेशल ड्रिंक सोमरस वॉज मेड. और कुछ एक पौधे की स्तुति में गाए जाते थे, जो सोमरस नाम का पौधा आया जिससे कुछ एक स्पेशल टाइप की ड्रिंक तैयार होती थी, उसकी स्तुति में गाए जाते थे. ऋग्वेद वॉज प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो. ऋग्वेद प्रिंट हुआ था, मतलब छापा गया था अब से 200 साल पहले. 200 साल पहले. हाउ डू हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद. इतिहासकार ऋग्वेद को कैसे पढ़ते हैं या कैसे उस पर रिसर्च करते हैं? वाइल स्टडिंग अबाउट द पास्ट हिस्टोरियंस एक्सक्लेम्ड रिटन सोर्सेज. इतिहास के बारे में जानकारी के बारे में रिसर्च करते करते वो हिस्टोरियंस एग्जामिन करते हैं उसको, उस पर रिसर्च करते हैं, जो भी सोर्स मिलते हैं उस पर रिसर्च करते हैं. दे स्टडीड द ऋग्वेदा. उन्होंने ऋग्वेदा की स्टडी की, उस पर रिसर्च की. मोस्ट ऑफ द हाइमंस इन ऋग्वेदा वर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. ज्यादातर ऋग्वेद में जो भजन है वो डायलॉग्स के रूप में है. हिस्टोरियंस स्टडीड दीज डायलॉग्स टू अराइव एट कंक्लूजन. हिस्टोरियन इतिहासकार हैं, उनके जो उन्होंने स्टडी करके जो पता लगाया, दीज डायलॉग्स टू अराइव एट कंक्लूजन. इन डायलॉग्स को पढ़ने के बाद एक नतीजा निकाला. इस तरीके से वो ऋग्वेद से रिसर्च करके बताते हैं पुराने समय के बारे में. ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद, व्हाट डज इट टेल्स अस अबाउट प्रेयर्स एंड बैटल्स. ऋग्वेद है जो कि हमें बताता है प्रार्थनाओं के बारे में, प्रेयर्स, जो हम प्रेयर्स पहले पुराने समय में की जाती थी, एंड बैटल्स, और युद्धों के बारे में. मोस्ट प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा आर फॉर कैटल, चिल्ड्रंस एंड हॉर्स.
हॉर्सेस। ज्यादातर प्रेयर्स ऋग्वेद में किसके लिए थी? कैटल, जानवरों के लिए जो हम पालते हैं। चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। हॉर्सेस, घोड़ों के लिए। हॉर्सेस वर योक्ड टू कैरियर्स एंड यूज इन बैटल्स। घोड़े जो रथ वगैरह पुराने समय में होते थे उनमें जो लगा दिए जाते थे और युद्धों में इस्तेमाल किए जाते थे। बैटल्स इन टू कैप्चर कैटल, लैंड, पास्चर, वॉटर एंड पीपल। युद्ध क्यों होते थे पुराने समय में? ज्यादातर जानवरों को कब्जा करने के लिए, पकड़ने के लिए, जमीन हथियाने के लिए, पानी के लिए, लोगों के लिए। वेल्थ कैप्चर्ड इन द बैटल्स वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्राइस एंड पीपल। जो युद्ध में जो कैप्चर करते थे, कब्जा करते थे जानवरों को और जो चीजें कैप्चर करते थे उसको बांट दिया जाता था, उसका बंटवारा कर दिया जाता था प्राइस पुजारियों को और लोगों को। अ पोर्शन ऑफ द वेल्थ वॉज यूज फॉर परफॉर्मिंग यजनास और सेक्रीफाइसेस इन विच ऑफरिंग वर पुट इन टू फायर। इन पोर्शन ऑफ द वेल्थ, और जो धन का जो हिस्सा मिलता था उसको इस्तेमाल किया जाता था यज्ञ वगैरह करने के लिए, सेक्रीफाइस बलि जो दी जाती थी उसके लिए। विच ऑफरिंग वर, जो लोग मारे जाते थे युद्ध में उनके बलिदान के लिए उनको दे दिया जाता था, कुछ हिस्सा उनको भी बांट दिया जाता था। विच ऑफरिंग वर पुट इन टू फायर फॉर गॉड्स इन टू इंक्लूडिंग घी, ग्रेन्स एंड इन सम केसेस एनिमल्स टू। और कुछ यज्ञ में इस्तेमाल कर दिया जाता था जैसे चीजें इकट्ठी करने के लिए, भगवान से जुड़ी हुई जैसे भक्ति के उसमें इस्तेमाल कर लिया जाता था। बट द मेजर पार्ट रिमेन्ड विद द लीडर, लेकिन ज्यादातर हिस्सा जो लड़ाई लड़ता था उसके नेता के पास रह जाता था। मतलब जैसे कहते हैं जिसके अंडर, जिसके गार्जियनशिप में लड़ाई लड़ी जाती थी, युद्ध लड़े जाते थे, ज्यादातर हिस्सा उसके पास रहता था। वो फिर भी कुछ कुछ हिस्सा लोगों को बांट देता था। पॉलिटिकल लाइफ, अब उस समय की जो पॉलिटिकल लाइफ थी, राजनीति जीवन कैसा था? द वेदास इवन टेल अस अबाउट पॉलिटिकल लाइफ इन दिस एज। वेद हमें उस समय की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताते हैं। देयर वर टू ग्रुप्स हु वर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। उस समय दो ग्रुप थे जो अपने काम के हिसाब से जाने जाते थे। द प्राइस्ट, एक तो पुजारी जो पूजा पाठ का काम, धर्म कर्म के काज में रहते थे। समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, कुछ समय के बाद उनको ब्राह्मण कह के पुकारा गया। हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास, जो कि बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान वगैरह काम काज करते थे, धर्म कर्म से जुड़े हुए रीति रिवाज के काम करते थे। एक तो वो थे और दूसरे थे जो राजा थे उस समय के। दो ग्रुप्स में बटा हुआ था उस समय का, वो लोग बटे हुए थे। द राजा हैड नो कैपिटल, राजा के पास कोई एक राज्य नहीं होता था, कोई एक शहर नहीं होता था। प्लेसेस और आर्मी, कोई एक खास जगह नहीं होती थी, सेना नहीं होती थी उस समय। टैक्सेस वर नॉट कलेक्टेड, ना ही कोई राजस्व वसूला जाता था। एंड देयर वाज नो हेरिडिटरी मोनार्की, और ना ही वहां पे कोई आनुवांशिक राजकाज चलता था। ऑक्यूपेशन, व्यवसाय कैसा था उस समय का? एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, कैरियर्स मेकिंग, पॉटरी, ज्वेलरी मेकिंग, टैनिंग एंड मेटल वर्किंग वर द मेन ऑक्यूपेशन। उस समय का जो मेन व्यवसाय क्या था? खेतीबाड़ी, जानवरों को पालना, युद्ध से संबंधित चीजें जैसे रथ वगैरह, गाड़ियां वगैरह जिसपे जिसके जरिए वो लोग युद्ध वगैरह लड़ते थे। पॉटरी बर्तन, ज्वेलरी आभूषण बनाना, और धातुओं से कुछ जो चीजें बनती थी उस समय उनको बनाना। जाना एंड विश, अब ये क्या है पढ़ते हैं इसके बारे में। टू विश टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल, किसी एक खास समुदाय या एक खास तरह के लोगों को नाम दिया गया था। क्या नाम थे ये? टू वर्ड्स दिए गए थे, दो नाम थे यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल जाना एंड विश, ये दो नाम दिए गए थे। सेवरल विश और जाना आर मेंशन्ड बाय नेम, बहुत सारे विश और जाना को नाम दिए गए थे। सो वी फाइंड पुरु जाना और विश, हम जानते हैं पुरु जाना या विश के नाम, और विश
द भारत, भारत जाना और विश, द यदु जाना एक्सेट्रा। इस तरह से कुछ एक कैटेगरी के साथ उनको भी आगे नाम दिया गया था। दो कैटेगरीज बना दी, दो कम्युनिटी बना दी, जाना एंड विश। उन कैटेगरीज को आगे और नाम दिए गए थे, जैसे पुरु जाना, भारत जाना, यादु जाना, इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। दासाज एंड दस्यूज, जो उस समय के दास थे, जैसे आज के समय में नौकर कहा जाता है, जो लोगों की सेवा करते थे उस समय दास, जो राजा एक तो होता था गवर्न करने के लिए राजा, दूसरा जो दास के तौर पे जो काम करते थे वो उनके बारे में बता रहा था। पीपल हु कंपोज्ड हाइमंस डिस्क्राइब्ड देमसेल्फ एज आर्यास, जो उस समय के लोग थे जो भजन वगैरह बनाते थे या भजन का वर्णन करते थे, वो उनको अपने आप को वो बताते हैं आर्य। एंड द ग्रुप ऑफ द पीपल हु कंपोज्ड देमसेल्फ आज कॉल्ड दस्यूज, और कुछ लोग अपने आप को दस्यूज कहते हैं। दस्यूज वर द पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। दस्यूज वो थे जो किसी तरह का सेक्रीफाई नहीं करते थे और अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलते थे। देवर लेटर कॉल्ड दासाज और दस्यूज और स्लेव्स, बाद में उन्हें दास ये दस्यु कहके या फिर दास जैसे नौकर वगैरह कहते हैं, सेवक कहते हैं, उस नाम से पुकारा गया। साइलेंट सेंटिनल्स मूक प्रहरी, जो कहते हैं अनबोलते प्रहरी। द बिग स्टोन्स और द स्टोन बिल्ड बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथिक्स, वेयर विच वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज टू मार्क ब्यूरियल साइट्स। जो उस समय के लोग बनाते थे स्टोन्स के बड़े बड़े बॉर्डर्स बनाते थे, बड़े बड़े स्टोन्स के बॉर्डर टाइप में कुछ बनाते थे, वो केयरफुली अरेंज किए जाते थे, किस तौर पे, मार्क ऑफ ब्यूरियल साइट्स, जो दफनाई गई चीजें हैं, जो निशाने के तौर पे पहचान के लिए बनाया जाता था कि हमने यह चीज यहां दफना रखी है। इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट ऑफन फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन, पुरातत्ववेत्ताओं ने ज्यादातर पाया है एक सर्कल स्टोन का, सर्कल बॉर्डर स्टोन बॉर्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन, या फिर एक बड़ा सा लार्ज स्टोन, बड़ा पत्थर, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जो कि जमीन पर खड़ा है, विच आर द इंडिकेशंस दैट देयर आर ब्यूरियल बीनीथ, ये पहचान बताता था उस समय का, इंडिकेट करता था कि यहां पर कुछ दफनाया गया है जमीन के अंदर, ब्यूरियल बीनीथ, दफन किया गया है कुछ यहाँ पर। सोशल डिफरेंसेस ब्यूरियल्स, अब सामाजिक क्या विभिन्नताएं थी उस समय जो लोग दफन किए जाते थे, तो उनमें क्या विभिन्नताएं थी। आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम दैट ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्ववेत्ता ज्यादातर मानते हैं दैट कि जो चीजें दफनाई जाती थी, ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर किए जाते थे एक स्केलेटन के साथ में, वो ज्यादातर उस व्यक्ति से संबंधित थी। इन ब्रह्मागिरी अ स्केलेटन वॉज ब्यूरिड विद 33 गोल्ड बेड्स, 2 स्टोन बेड्स एंड 1 कॉन्च शेल, वेयर एज अदर स्केलेटन्स ओनली हैड अ पॉट। इन ब्रह्मगिरी पर में कुछ पाया गया था स्केलेटन जिसके साथ 33 गोल्ड की बीड्स मिली थी, 2 स्टोन की और 1 कॉन्च शेल, वेयर एज अदर स्केलेटन ओनली हैड अ पॉट, और जबकि दूसरे स्केलेटन के साथ सिर्फ एक पॉट बर्तन मिला था। दिस शोज द डिफरेंस इन स्टेटस, इससे ये बताता है उस समय का स्टेटस, यानी जो व्यक्ति के साथ ज्यादा चीजें मिली थी, धन वगैरह ज्यादा मिला था, जो चीजें ज्यादा, वो धनी रहा होगा, और दूसरे के साथ एक सिर्फ मिट्टी का बर्तन पाया गया था, इसका मतलब वो उस समय गरीब रहा होगा। दिस शोज द डिफरेंस इन स्टेटस, ये स्टेटस में डिफरेंस बताता है। अमंग द पीपल हु वर बरिड, जो कि दफनाए गए थे, उन लोगों में स्टेटस में कितना डिफरेंस था, स्टेटस के हिसाब से उनके साथ चीजें दफन की जाती थी। सम वर रिच वाइल सम अदर आर पुअर, अदर वर पुअर, उसमें से कुछ अमीर थे कुछ गरीब थे। समटाइम्स मेगालिथ्स हैव मोर देन वन स्केलेटन,
कुछ कई बारी एक से ज्यादा स्केलेटन भी मिले हैं. इट इंडिकेट्स दैट पीपल बिलोंगिंग टू द फैमिली वॉज बियर्ड एट सम सेम प्लेस थ्रू दो एट डिफरेंट टाइम्स. एक से ज्यादा मिले हैं. ये भी बताता है कि अलग अलग समय के मरने के बावजूद भी उन लोगों को एक ही जगह फैमिली मेंबर होने की वजह से एक ही जगह दफनाया गया था. स्पेशल ब्यूरियल्स टुक प्लेस एट इनाम गांव. एक कुछ खास तरह के वो दफन की हुई चीजें पाई गई हैं इनाम गांव में. द साइट ऑफ इनाम गांव इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोद. गोद रिवर के किनारे पर स्थित है इनाम गांव नाम का जो भी जगह है. अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा विच वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो. इतने से इतने समय के बीच में 3600 से 2700 साल पहले ये चीजें पाई दफनाई गई रही होंगी. वहां पर वो चीजें पाई गई हैं. बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स. हड्डियां जानवरों की बहुत सारे जानवरों की पाई गई. मैनी बियरिंग कट मार्क्स. ज्यादा पे कट मार्क्स मिले हैं. दैट शोज दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड. ये बताता है कि वो भोजन की तरह यूज किए गए हैं. हैव ऑल्सो बीन फाउंड. इस तरह की हड्डियां भी पाई गई हैं. स्केलेटल स्टडीज टेल्स अस अबाउट बेटर वे ऑफ आइडेंटिफाइंग डेड बॉडीज. स्केलेटल्स की स्टडीज हमें बताती हैं अच्छे तरीके से कि वो किस टाइप के लोग थे, कैसा जीवन. स्केलेटल स्टडीज ज्यादातर जो हड्डियां पाई गई हैं उनके अवशेषों को सर्च करने से हमें पता चलता है, अच्छी तरह से पता चल जाता है कि उस समय डेड बॉडीज की जो मिली थी उनको स्टडी करके पता चलता है उन समय के जीवन काल के बारे में, लोगों के बारे में, सबको रिसर्च करके उस उन अवशेषों से हमें पता चल जाता है. अब मेरे जरिए पढ़ाया गया अगर चैप्टर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.